हेलो एवरीवन, आज जिस केस लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का सेकंड केस लॉ है और इस केस लॉ का नाम है सर डिनशॉ मैकेंजी पैटिट। इस केस लॉ के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं इस केस लॉ में क्या हुआ था। मिस्टर डी से मेरा यहां मतलब है मिस्टर डिनशॉ से। मिस्टर डिनशॉ मैकेंजी हु वॉज ए वेल्दी इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड। देखिए 1921 में मिस्टर डिनशॉ मैकेंजी पैटिट ने 4 प्राइवेट कंपनीज बनाई थी। उन्होंने 4 कंपनीज इनकॉर्पोरेट की थी। इन कंपनीज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 1 कि इन कंपनीज का कोई भी बिजनेस नहीं था एंड इन कंपनीज की देयर वाज नो कैपिटल एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर डी। मिस्टर डी से मेरा यहां मतलब है मिस्टर डिनशॉ। सो मिस्टर डिनशॉ इन कंपनीज की ट्रस्टी की तरह एक्ट कर रहा था। इन 4 कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया, इन चारों कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट किया डिनशॉ के बिहाफ पे और सर इन्वेस्टमेंट के बदले में मिला कंपनीज को डिविडेंड। कंपनीज को डिविडेंड मिला और डिविडेंड के साथ साथ उन्हें मिला रिटर्न, और रिटर्न से मेरा यहां मतलब है इंटरेस्ट। और जो इन चारों कंपनीज की इनकम हुई, उस इनकम को लोन की फॉर्म में मिस्टर डिनशॉ को ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि सबसे पहले मिस्टर डिनशॉ ने 4 कंपनीज बनाई, उन 4 कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट पे जो उन्हें रिटर्न मिला वो उन्होंने लोन की फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया मिस्टर डिनशॉ को, और इस लोन का कभी भी रीपेमेंट नहीं हुआ। सो देयर वाज नो रीपेमेंट ऑफ दिस लोन। लोन का कभी भी रीपेमेंट नहीं हुआ। जब बात आई टैक्स देने की तो मिस्टर डिनशॉ ने कहा कि वो टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है क्योंकि उन्हें मिला है लोन, और जो ये रिटर्न मिला है इन्वेस्टमेंट पे ये इन 4 कंपनीज को मिला है ना कि मिस्टर डिनशॉ को। लेकिन कोर्ट ने ये कहा क्योंकि इन 4 कंपनीज को बनाने का पर्पस मिस्टर डिनशॉ का ये था ताकि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी से बच सके, और उन्होंने अपनी ही इनकम को लोन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसके लिए उन्होंने इन 4 कंपनीज का सहारा लिया। मिस्टर डिनशॉ ने कहा कि उनका और इन कंपनीज की दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों सेपरेट हैं, और उन्होंने यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई करने की कोशिश की। यानी कि उनका कहना था कि 4 कंपनीज अलग हैं और मिस्टर डिनशॉ अपनी कंपनी से पूरी तरीके से अलग है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर कंपनीज अलग हैं तो लोन का कभी रीपेमेंट क्यों नहीं हुआ। That means that was a pretended loan और जिसका objective था tax liability से बचना। So इस केस में कोर्ट का verdict ये रहा कि अगर कोई tax चोरी करने के purpose से companies को form करता है so in that case separate legal entity का principle applicable नहीं होगा, इस केस में lifting of corporate veil हो जाएगा। तो friends this was the second case law of lifting of corporate veil. Stay tuned for more videos. Thank you so much.